नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली एसओजी टीम की बैठक, पेपर लीक मामलों में की गई कार्रवाई के लिए की सराहना। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रंग उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। शासन सचिवालय उद्यान में रौनक बिखेर रही 40 से ज्यादा किस्मों की फुलवारी, रोज शो 2024 में जीता उत्कृष्ट श्रेणी की फुलवारी का पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी टीम की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीम द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही प्रदेश में पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर टीम की सराहना और हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि राजस्थान में एसओजी एक्शन मोड पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बैठक में डीजीपी श्री उत्कल रंजन साहू और एसओजी के एडीजी श्री वीके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही गुड गवर्नेंस और आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर निरंतर जनसुनवाई कर परिवादियों को राहत प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुड गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उधर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की कुशल क्षेम पूछने पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से श्री देवासी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राजधानी जयपुर इन दिनों रंगारंग कार्यक्रमों से गुलजार है। पर्यटन विभाग द्वारा रविंद्र रंग मंच पर 13 से 16 मार्च तक रंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। होली से पहले लोक संस्कृति के रंग में रंगे मनमोहक कार्यक्रम कला प्रेमियों को मोहित कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज इस आयोजन के तहत दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नवोदित कलाकारों द्वारा की गई कथक नृत्य की प्रस्तुति जहां आकर्षण का केंद्र रही, वहीं सिद्धहस्त कलाकारों ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से वातावरण को गुंजायमान किया। कार्यक्रम में राजस्थान की रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाक पहने नृत्यांगनाओं ने राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरे। वहीं भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी के समूह ने भपंग वादन के साथ लोग गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रविंद्र मंच में ढांचागत व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि यहां भव्य रूप में कला संस्कृति के आयोजन हो और रंग मंच की शानदार विरासत पुनर्जीवित हो सके। उन्होंने रंग उत्सव में लगी स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और रंग उत्सव में पारंपरिक कलाओं के विभिन्न उत्पादों की कलात्मक प्रदर्शनी को सराहा। रंग बिरंगे फूल किसी भी परिसर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं और उनकी भीनी महक किसी भी व्यक्ति के मन को आनंद से प्रफुल्लित कर सकती है। इन दिनों जयपुर का शासन सचिवालय का उद्यान हर साल की तरह विविध रंगों के पुष्पों से महक रहा है। विभिन्न किस्मों के अलग अलग रंगों से लबरेज 40 तरह की फुलवारियां यहाँ रंग बिखेर रही है। यहाँ गुलाब की 10 से भी ज्यादा किस्में हैं जिनके सुरभित फूलों की रंग बिरंगी छटा भी देखते ही बनती है। राजस्थान रोज सोसाइटी द्वारा हाल ही में आयोजित रोज शो 2024 में भी शासन सचिवालय उद्यान को उत्कृष्ट श्रेणी की फुलवारी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 100 दिवसीय कार्य योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पशुपालन एवं गौपालन विभाग भी पशुओं में रोगों की रोकथाम और 100% टीकाकरण के लिए मुस्तैदी के साथ जुटा है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को सचिवालय भवन में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री कुमावत ने कहा कि पिछले साल लंपी की भयावहता से सबक लेते हुए हमें इस बार समय रहते सचेत होना होगा। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत मई माह में शुरू करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। मोबाइल वेटरनरी यूनिट के लिए शुरू होने वाले कॉल सेंटर की प्रगति की समीक्षा करते हुए पशुपालन मंत्री ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसे चालू किया जाए ताकि इसे शुरू करने का उद्देश्य पूरा हो सके।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रदेशवासियों को अब पीने का शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। जल जीवन मिशन से हर घर को शुद्ध पेयजल घर पर ही मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन, अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए किए जा रहे हैं भगीरथ प्रयास। ईसरदा दौसा पेयजल योजना पैकेज 4 में दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांवों के 1,20,000 घरों, 269 करोड़ रुपए की पोकरण फलसूंड बालोतरा सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98,000 घरों, 238 करोड़ रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान, विकसित हो रहा राजस्थान।